साई नाथाय नमः। साई भक्तों, बहुत लोगों का मानना है कि भगवान एक बाहरी सत्ता है। ये बात सच या झूठ है, इसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। बट मेरा ये मानना है कि भगवान आपके अंदर विराजमान, वो आपकी एक इंट्यूशन है, वो एक सच्ची आवाज है जिसको ढूंढना बहुत जरूरी है। शराब से प्यार है, क्योंकि अब मेरे साथ ऐसा क्यों क्यों मेरी जिंदगी को जीते जी नर्क बना दिया आपने पापा। संगीता मेरी बच्ची, तू इतना क्यों नहीं समझ पा रही है? इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर इंसान अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का ही फल भोगता है। तेरे कर्म पिछले जन्मों से ही किशोर के साथ जुड़े हुए थे। किशोर के साथ तेरी शादी होना, तेरा जीवन इस प्रकार बनना निश्चित है। बच्ची, मेरी बेटी, जब ऐसी स्थितियां आ जाती है तो अपने भाग्य को दोष न देकर उन स्थितियों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तू सिर्फ कोशिश कर मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अल्लाह मालिक। मैं किशोर को बदलने की कोशिश नहीं करूंगी पापा। अगर इस बार वो मेरी बात ना माना तो मैं हमेशा के लिए उसके घर, उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। आज के बाद तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। नहीं, कभी नहीं किशोर, नहीं किशोर। शराब तो मुझे छोड़नी है, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार आज पीकर फिर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे अपने आप को संभालना होगा। मैं साईं से किया हुआ वादा तो तोड़ सकता हूं, पर संगीता की झूठी कसम नहीं खा सकता। पर करूं तो क्या करूं मैं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करूं मैं?
क्या करूं? आइए ना भाई, आइए बैठिए। थोड़ी पीकर आते हैं। आप लोग सोडा मिलाते हैं या सिर्फ पानी? लार्ज बनाओ या स्मॉल? ये क्या कर रही हो? वो आप लोग रोज शराब पीने बाहर जाते हो और हम सबको देर रात तक घर पे वेट करना पड़ता है, तो आज का इंतजाम मैंने घर पर ही किया और आप सबकी पत्नियों को भी यहाँ पर बुलाया है, तो हमें वेट नहीं करना पड़े और आप हमारे सामने भी रहे। ये कभी नहीं होगा सर, मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं शराब हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तुम लोग जाओ यहां से। मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो संगीता, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि साईनाथ जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ। अल्लाह मालिक। आपका परिवार, पड़ोस पड़ोस या ऐसे किसी भी साईं भक्त के साथ बाबा की कृपा हुई हो तो हमें लिख के जरूर भेजिए।